हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम बात करेंगे रिलेशनशिप के। रिलेशनशिप पर कई सारे वीडियोस मैं पहले भी बना चुका हूं, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2021 पर ये शायद रिलेशनशिप की पहली वीडियो है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। यहां से एक्सेस को ओपन करेंगे, एक्सेल नहीं एक्सेस, ठीक है। तो ये एक्सेस को ओपन किया है मैंने, ये देखिए ये इंटरफेस कुछ इस तरीके का। ये सारे टेम्पलेट्स हैं जिनके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है। यहां से ब्लैंक डेटाबेस पे क्लिक करेंगे और जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरीके का सिनेरियो आएगा। यहाँ पर डेटाबेस का नाम चाहे तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैं फिलहाल यही रखने वाला हूं। यहाँ से क्या करना है, क्रिएट पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर क्या करना है, टेबल बनानी है हमको। तो यहाँ डिजाइन व्यू पे ले लेते हैं, इस टेबल को नाम दे देते हैं स्टूडेंट डिटेल, स्टूडेंट डी कर देते हैं, स्टूडेंट डी। तो स्टूडेंट डी यानी स्टूडेंट की डिटेल। तो यहाँ पे स्टूडेंट का आ जाएगा रोल नंबर, तो रोल अंडरस्कोर नंबर कर देंगे और यहाँ पे ऑटो नंबर रखते हैं, ठीक है। फिर यहाँ लिखेंगे नेम ऑफ स्टूडेंट, क्या लिखेंगे, नेम ऑफ स्टूडेंट। तो ये हो गया नेम अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर स्टूडेंट, तो ये हो गया नेम ऑफ स्टूडेंट्स। और नेम ऑफ स्टूडेंट्स लिखने के बाद यहाँ पे शॉर्ट टेक्स्ट आएगा और यहाँ पर और भी चीजें आ सकती हैं, लेकिन अभी हम यही दो चीजें रखेंगे इसमें। और यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसको यस कर देंगे। जैसे ही यस करेंगे तो यहाँ रोल नंबर आएगा, तो रोल नंबर तो ऑटोमेटिक आएगा क्योंकि हमने ऑटो नंबर ले रखा है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स का नाम आएगा, ठीक है। जैसे स्टूडेंट्स का नाम है सचिन, ठीक है। फिर यहाँ मोहन, फिर यहाँ सोहन, इस तरीके से स्टूडेंट। देखिए रोल नंबर अपने आप आता चला जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे गौरव, यहाँ पे राजेश, यहाँ पे अमित, इस तरीके से बहुत सारे नाम आते चले जा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्लिक करके इसे सेव कर लेंगे। अब ये पहला टेबल हो गया स्टूडेंट डी का, ठीक है। देख सकते हैं ना, स्टूडेंट डी के नाम से पहला टेबल बन चुका है, ठीक है। अब दूसरा टेबल बनाने की बारी है, तो यहां से चलेंगे टेबल पर और यहां से क्लिक करेंगे। तो ये अब टेबल बनाएंगे हम रिजल्ट का, रिजल्ट का टेबल है ये। ये ध्यान दीजिएगा, ये टेबल किस नाम से है, रिजल्ट नाम से। और यहां पर क्या करेंगे, यहां पर हम डाल देते हैं रजिस्ट्रेशन आईडी। तो ये हो गया रजिस्ट्रेशन आईडी, ठीक है। यहां पर प्राइमरी की किसको बनाया, रजिस्ट्रेशन आईडी को। ध्यान दीजिएगा, रिलेशनशिप के लिए प्राइमरी की आपने पहले जिसे बनाया है उसको छोड़ करके दूसरे को बनाना पड़ेगा दूसरे टेबल में। जैसे मैंने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन आईडी को बनाया, लेकिन यहाँ पर किसे बनाया है, प्राइमरी की, और रोल नंबर को, ठीक है। तो ये ध्यान देना है आपको, ठीक है। तो यहां पर जाकर के और ये डिजाइन व्यू पे लेकर आएंगे। अब यहां पर क्या करेंगे, अलग अलग, अब देखिए यहां पे लिखूंगा रोल नंबर, ये रोल हो गया, अंडरस्कोर नंबर हो गया, तो ये हो गया रोल नंबर। और रोल नंबर का डेटा टाइप क्या रहेगा, डेटा टाइप रहेगा नंबर, ये ध्यान दीजिएगा। और इसके बाद क्या करना है, इसके बाद अलग अलग सब्जेक्ट के नाम आएंगे, जैसे कंप्यूटर हो गया, ठीक है। और यहाँ पे इंग्लिश कर देते हैं, दो तीन चार सब्जेक्ट ले लेते हैं। और यहाँ पे मैथ्स कर देते हैं, तो ये हो गया मैथ्स। और फिर यहाँ पे कर देते हैं SCI ENCE साइंस कर देते हैं, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो है ना, ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का 2021, इसमें खास बात ये है कि यहाँ पर आपको मिलता है कैलकुलेटेड डेटा टाइप। क्या मिलता है, कैलकुलेटेड डेटा टाइप। इन सबको नंबर बना लेने के बाद, जो भी सब्जेक्ट है उसमें नंबर डेटा टाइप हमें रखना है। और यहाँ पे लिखेंगे टोटल, ठीक है। टोटल करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से जाएंगे और ये हम क्या करेंगे, कैलकुलेटेड डेटा टाइप लेंगे और यहाँ पर टोटल करना है। तो टोटल कैसे करेंगे, टोटल करने के लिए हमको बहुत ज्यादा परिश्रम करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट में कंप्यूटर, जैसे मैंने लिखा है, बंद कीजिए, प्लस का निशान लगाइए, फिर यहाँ लिखिए इंग्लिश, ठीक है। देखिए ये इंग्लिश हो गया, फिर प्लस का निशान लगाइए, फिर यहाँ लिखेंगे क्या, मैथ्स, तो MATHS मैथ्स हो गया, फिर प्लस का निशान लगाइए। ये ध्यान रखिएगा कि स्क्वायर ब्रैकेट अगर आप मिस करेंगे तो आपका जो रिजल्ट है वो आएगा नहीं, आपको दिक्कत होगी, ठीक है। तो स्क्वायर ब्रैकेट कहीं मिस मत कीजिएगा। SCI ENCE साइंस हो गया, स्पेलिंग भी प्रॉपर लिखिएगा और यहाँ से ओके कर दीजिएगा। आप जैसे ही यहाँ से क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर ये सारी चीजें हो गई हैं। अब आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, जैसे R01, ये रजिस्ट्रेशन नंबर है R01, और यहाँ पे रोल नंबर 1 ही रहेगा और बाकी कंप्यूटर साइंस में मार्क्स जो आए थे वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे टोटल हो जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। R02 करेंगे और रोल नंबर तो 2 ही रहेगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जो भी मार्क्स डालने हैं आपको यहाँ पे डाल करके फिर आगे बढ़ेंगे हम, ठीक है। ये हो गया, फिर यहाँ R03 करेंगे और यहाँ रोल नंबर तो 3 ही रहेगा। और इस तरीके से हम करके और फिर यहाँ पर मार्क्स देते चले जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया, दो टेबल्स हमारे पास हो गई, पहली टेबल स्टूडेंट वाली और दूसरी टेबल रिजल्ट वाली। तो इसको सेव करके, और देखिए ये पहली टेबल है जिसमें 6 रिकॉर्ड है, इसमें कम ही रिकॉर्ड है, तो 6 रिकॉर्ड यहाँ पर भी इंसर्ट कराने होंगे। तो R04, ठीक है, और यहाँ रोल नंबर 4 और यहाँ पे बाकी मार्क्स आ जाएंगे, हो गया। अब यहाँ से इसको क्लोज करेंगे, इसको भी क्लोज करेंगे और क्लोज करके सीधा डेटाबेस टूल्स पे चलेंगे और रिलेशनशिप पे आएंगे। तो यहाँ दोनों टेबल्स आपको दिख ही रही हैं, यहाँ से उठाइए, ऐड करवा दीजिए टेबल को। ये पहली टेबल हो गई और ये हो गई दूसरी टेबल, यहाँ ऐड टेबल से जाके करवाना है, ठीक है। अब इसमें एक कॉमन फील्ड है, वो कॉमन फील्ड कौन सा है,
वो कॉमन फील्ड है रोल नंबर, दोनों में आपको रोल नंबर दिखाई पड़ेगा। तो रिलेशनशिप के लिए ये जरूरी है कि एक कॉमन फील्ड होना जरूरी है। तो रोल नंबर को उठाइए और रोल नंबर के ठीक सामने ले जाकर रख दीजिए और इन तीनों पर टिक कर दीजिएगा। पहला इनफोर्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, दूसरा कास्केड अपडेट रिलेटेड फील्ड्स और तीसरा कास्केड डिलीट रिलेटेड रिकॉर्ड। तो वन टू मेनी रिलेशनशिप ये क्रिएट हो रहा है और ये क्रिएट भी हो गया। तो इस तरीके से ये रिलेशनशिप बिल्ड हो जाएगा और आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इसका फायदा क्या हुआ, यहाँ जब स्टूडेंट टेबल पर जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहीं से आप इनकी रजिस्ट्रेशन आईडी और पूरा जो मार्क्स है और उसका टोटल भी है उसको भी आप एक्सेस कर पाएंगे। ये आपको फायदा हो जाता है, ठीक है। क्या यहाँ पर कुछ और भी चीजें करी जा सकती हैं, इसको देखना जरूरी है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने कैलकुलेट तो कर लिया कैलकुलेटेड डेटा टाइप का, क्या हम यहाँ पे परसेंटेज या एवरेज भी कैलकुलेट कर सकते हैं? तो एक बार चलते हैं देखते हैं एवरेज कैलकुलेट कर पा रहे हैं नहीं। तो एक बार जब टेबल बन जाती है तो यहाँ पे रिकॉर्ड आप नहीं इंसर्ट कर पाएंगे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो जो करना है पहले ही कर लीजिएगा, ओके। तो सारी चीजें समझ में आ गई, ठीक है ना। तो रिलेशनशिप कैसे करना ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आज शाम को कोई भी लाइव क्लास नहीं चलेगी, ये इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ। बाकी तो कल तो चलेगी ही, तो आज शाम को लेकिन नहीं चलेगी, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि आज शाम को मैं शहर में नहीं रहूंगा तो इस वजह से लाइव क्लास नहीं ले पाऊंगा, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।